यीशु आशा के रूप में बाइबल में जाना गया है। यीशु कौन है? आशा है। देखिए, आपका विश्वास अगर बिना आशा के है तो मुकम्मल नहीं है। आप कई बार विश्वास करते हैं कि आपकी चीजें हो जाएं, आपकी समस्याओं का हल हो जाए, आप परीक्षाओं से निकल जाएं, आप विपत्तियों से निकल जाएं, आप विश्वास करते हैं, लेकिन उस विश्वास के संग अगर आशा नहीं है तो आपका विश्वास कुछ देर के बाद कमजोर हो जाता है, क्योंकि आशा नहीं है। आशा कौन है? यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती है यीशु मसीह आशा के रूप में इस धरती पर आया, उसने हमें आशा दी, उसने हमें पवित्र जीवन दिया, हमें पापों शापों से मुक्त किया, उसने हमें अपना पुत्र बनाया, अपनी धार्मिकता दी उसने हमें, अपनी आत्मा उसने दी, और जिंदा होकर वो इस समय परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ मध्यस्थी कर रहा है और हमारा वकील है, वो हमारा प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें उसने क्या दिया धरती पर? आशा, होप। आपके पास आशा के रूप में यीशु होना चाहिए कि मेरी आशा कौन है? यीशु। कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो, कोई भी परीक्षाएं हो, आपके पास एक आशा है और वो है मेरा यीशु। जब तक वो आशा हमारे अंदर नहीं रहेगी, जब तक यीशु हमारे अंदर एक आशा के रूप में नहीं रहेगा, तब तक हमारे मन में शांति नहीं रहेगी। देखिए, वचन आपके अंदर जब जाता है वो आपके अंदर आशा पैदा करता है। जब आप किसी वचन को समझते हैं तो वो वचन आपको समझाता है कि यीशु है, वो वचन आपको बताता है कि आप कभी नहीं, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, वो आपके आंसुओं को पोछेगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा। ये आशा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपको मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आशा हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपको उस आशा के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम उस आशा को लेकर चलें तो हमारे जीवन में अद्भुत आशीषों की बारिश होगी। एक्स 20 7 से 12 के बीच में अगर हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 20 7 से 12 के बीच में पढ़ेंगे, यहाँ पर यूतुखुस एक लड़का है, एक व्यक्ति है जो कि तीसरे मंजिल से गिर कर मर जाता है। तीसरे मंजिल पर बैठा हुआ था वो, पौलुस का वचन सुन रहा था, लेकिन वो हवा का झोंका आता है, आधी रात हो चुकी होती है, उसे नींद आती है, दिए जल रहे थे और वो नीचे गिरकर मर जाता है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही वहां पर पौलुस को पता लगता है, जो कि वहां उपदेश दे रहा था, पौलुस जैसे नीचे आता है, उसे गले लगाता है और प्रार्थना करता है और वो व्यक्ति जिंदा हो जाता है। पढ़ेंगी हमारी बहन, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि देखिए वचन में क्या कहा गया है, कैसे पौलुस ने यीशु को आशा के रूप में लिया और विश्वास के संग प्रार्थना की और चमत्कार हुआ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए बेटा। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उसने बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अठारे पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। हाँ जी। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अठारे पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया, परंतु पौलुस उतर कर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं क्योंकि उसका प्राण उसी में है। आमीन। हालेलुया। आगे। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बात करता रहा कि पौ फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहां पर कुछ बातें हम देखते हैं। पौलुस जो कि परमेश्वर का चुना हुआ प्रेरित था, पौलुस वो संत था जिसने 13 किताबें लिखी हैं,
नए नियम की 13 पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं, जबकि 14 कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, इब्रानियों भी उसी ने लिखी है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर आम जैसे आपके घरों में भी होता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमारे जीवन में भी, हमें पता नहीं होता और अचानक हमारे जीवन में घटना घट जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, लोग बौखला गए, जैसे जब यूतुखुस नीचे गिरा लोग आए और उन्होंने उसे मरा हुआ पाया, लेकिन पौलुस यीशु मसीह का भक्त, यीशु मसीह का प्रेरित, जब नीचे आया और उसने कहा कि नहीं, इसके प्राण हैं, इसके प्राण इसी में है। देखिए, आप जब परमेश्वर की आशा को अपने संग रखते हैं, आपको अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है, आपको आत्मिकता में आप जीवन जीते हैं, आपको पता होता है कि अंधकार की शक्तियां क्या कर रही हैं, आपको पता है कि परमेश्वर की क्या योजना है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर देखिए कितनी आसानी से पौलुस नीचे आया, उसने उसको गोदी में उठाया और कहा कि इसका प्राण इसी में है, और उसने उसके लिए प्रार्थना की और वो प्राण लौट आया और वो लड़का जीवित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या था पौलुस के पास? वो आशा थी, वो आशा थी जिसका नाम यीशु है। क्या था पौलुस के पास? वो सामर्थ था उस आशा के रूप में कि मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूंगा और इस भाई को, इस लड़के को चंगाई मिलेगी, इस आदमी को उसका प्राण वापस होगा और ये जीवित हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु वो आशा है। जब हम यीशु को आशा के रूप में थामते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं, मेरी बहन, अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप बिना आशा के प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होंगी, आप देर तक विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप बिना आशा के प्रार्थना करते हैं, जब बिना आशा के आप विश्वास करते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपका विश्वास कमजोर हो जाता है। आप कहते हैं नहीं यार, अभी यीशु मसीह नहीं आएंगे, नहीं यार अभी चंगाई नहीं हो पा रही है, अभी मेरे जीवन में ये घट रहा है, नहीं हो पा रहा है यार, नहीं 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 यार, अभी कहीं और चलो यार, किसी और को पिता मानो, किसी और को प्रभु मानो, क्योंकि आपने उस पर आशा नहीं रखी है। यीशु ही सर्वस्व है, यीशु वो नाम है जो इस युग में और आने वाले युग में भी लिया जाएगा, हर नाम यीशु मसीह के पैरों के नीचे है। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि यीशु मसीह आशा के रूप में मेरे साथ है, अगर मैं आज परीक्षा में हूं, अगर मैं आज विपत्ति में हूं, अगर मैं आज कर्जे में हूं, अगर आज मैं बीमार हूं, तो मेरा यीशु मुझे चंगा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इस आशा के संग प्रार्थना करते हैं, अगर आप इस आशा के संग विश्वास करते हैं, तो आपका विश्वास पूरा होगा और आपकी आशा पूरी होगी। क्योंकि विश्वास की परिभाषा क्या है, अगर इब्रानियों 11 का 1 देखेंगे तो विश्वास की परिभाषा क्या है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। मेरे साथ बोलिए विश्वास, जोर से बोलिए विश्वास, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि विश्वास बिना आशा के अधूरा है। अगर आप विश्वास करें और आशा ना करें तो आप ज्यादा देर तक विश्वास नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैंने यीशु ने मुझे नया जन्म दिया है, यीशु मसीह वो परमेश्वर है, यीशु मसीह वो वचन है जिसके द्वारा सृष्टि की रचना की गई है, यीशु मसीह आदि और अंत है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। और वही वचन देहधारी हुआ और धरती पर आया और मनुष्य के रूप में चला और लोगों ने उसकी महिमा देखी, वचन बताता है। वो यीशु हमारी आशा है। वो यीशु धरती पर रहकर उसने हमारे पापों को अपने सिर पर लिया, अपने ऊपर लिया और उसने बलिदान किया और वो मरकर जी उठकर, तीसरे दिन जी उठकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। वो है मेरी आशा, उस पर मैं अपनी आशा रखता हूं, उस पर मैं अपना जीवन रखता हूं, उसी को मैं देखता हूं।
जब हम आशा के रूप में उसको देखेंगे, जब हम आशा के रूप में उसको चाहेंगे, जब हम आशा के रूप में उसको अपने जीवन में बसाएंगे, आपकी आशाएं, आपकी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपने यीशु पर अपनी आशा रखी है, अपने पड़ोसी पर अपनी आशा नहीं रखी है, अपने भाई अपनी बहन पर आशा नहीं रखी है, आपने किस पर आशा रखी है? यीशु पर, जो सर्वस्व है। कुलुसियों 1:14-15 क्या कहता है? यीशु मसीह कौन है? जल्दी से पढ़िए कुलुसियों 1:14-15। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यानी कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। फिलिपी ने कहा कि यीशु मसीह हमें पिता से मिलवा दे। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। हालेलुया। वही पिता का प्रतिरूप है, वही परमेश्वर है। और वो कौन है? वो कहता है, मुझ पर आशा रखो क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हें पिता से मिलवाऊंगा, मैं ही हूं जो आने वाला हूं, मैं ही हूं जो तुम्हें लेकर जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो जो दाहिनी और चोर था, उस चोर ने क्या कहा यीशु मसीह से? जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, एक चोर बाईं ओर था और एक चोर दाहिनी ओर था। जो बाएं बंधा हुआ चोर था वो कहता, अरे अगर तू मसीह है तो नीचे उतर और अपने आप को बचा और हमें भी बचा। लेकिन जो दाहिनी ओर चोर था वो कहता कि अरे मूर्ख, तू कैसी बातें कर रहा है, हमने तो पाप किया है इसलिए हम क्रूस पर हैं, इसने तो कुछ भी नहीं किया है फिर भी ये सबको माफ कर रहा है। उस चोर ने क्या कहा? यीशु मसीह, जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे याद करिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। उसने यीशु पर आशा रखी। यीशु, तू ही मेरी आशा है, मैं तुझ पर अपनी आशा रखता हूं। जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने सामर्थ्य में आए तो मुझे याद करना। और यीशु मसीह ने क्या कहा? कि तू आज शाम स्वर्ग लोक में होगा मेरे साथ। Praise the Lord। हम जब यीशु पर अपनी आशा रखते हैं मेरे भाई, तो आप नहीं जानते हैं कि आप उस अंधकार के बंधनों से आजाद होते हैं। आप जब यीशु पर अपनी आशा रखते हैं तो आप अंधकार की शक्तियों को चुनौती देते हैं। जब आप अपने घर में, आप जब अपने दुख में, जब आप अपने कर्जों में, जब आप अपनी बीमारियों में कहते हैं कि मेरा यीशु मेरे साथ है, मैं चंगी होंगी, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब आप यह ऐलान करते हैं तो अंधकार की शक्तियां आपके घर से निकल जाती हैं। आप जीते कैसे हैं? आपका जीवन क्या है? हमें हर पल उस आशा के संग जीना है। मेरा यीशु मेरी आशा है, मेरा यीशु मेरी हर विपत्ति का, परीक्षा का जवाब है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे गड्ढे में से निकालने वाला मेरा यीशु है। मेरी बहन, मेरे भाई, हमें मसीह जीवन अंगीकार के संग जीना है, अंगीकार करते हुए। आपको हर पल धन्यवाद की प्रार्थना करते हुए अंगीकार करना है कि आपके संग यीशु मसीह है। बोलना है, आपके घर में जितने भी बंधन क्यों ना हो, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आप ये फार्मूला लिख लीजिए, याद रख लीजिए। आप अपने घर में हो, अंगीकार करिए और धन्यवाद दीजिए यीशु मसीह का। अंगीकार करिए कि मैं आशीषित हूं, आई एम ब्लेस्ड।
आप चाहे कितने कर्जे में हो, आप चाहे कितने दुखी हो, आपको फोन आएगा, भैया कैसे हैं आप? बहुत आशीषित हो गए, बोलिए मुझसे, मत बताइए कि साहब नहीं यार बहुत कर्जे में हूं मैं, बहुत दुख है मुझे, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी बीबी बीमार है, मेरा ये बीमार है, पैसा नहीं मिल रहा जहां मैंने काम किया था। मत बोलिए, ऐलान करिए कि मैं आशीषित हूं। क्या जिस दोस्त को या जिस भाई को, जिस बहन को, जिस पड़ोसी को आप बताएंगे कि मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरा दुख ये है, क्या वो आपका दुख दूर कर सकता है? उसे बोलिए मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मेरे घर में परमेश्वर का आशीष है, यीशु का आशीष है। अंगीकार करिए उसके सामने और मुंह खोलकर बोलिए, आप देखिए परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का सामर्थ आपके घर में बहेगा। अपने मुंह से नेगेटिव बात मत निकलने दीजिए, यीशु आशा है, उस आशा को थामे रखिए। पहला पत्रस 1:3-5, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आमीन। किसके लिए नया जन्म दिया आपको? बोलिए बोलिए मेरे सामने बोलिए, किसके लिए नया जन्म दिया आपको? जीवित आशा, जीवित आशा के लिए। ताकि आपके अंदर वो जीवित आशा, अब तक आशा मरी हुई थी, आप जब तक यीशु मसीह में नहीं थे मरे हुए थे, क्या होगा कुछ पता नहीं है, कहां जाना है कुछ पता नहीं है, मेरे बच्चे का क्या होगा कुछ पता नहीं है, मेरा क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन आज जब यीशु मसीह हमें मिला है तो हमें पता है कि हमें यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना है। आज जब यीशु मसीह मुझे मिला है तो उसने मुझे जीवित आशा दी, और वो जीवित आशा क्या है कि मेरा मेरे बच्चों का अच्छा होगा। वो जीवित आशा मुझे बताती है कि मैं पापों श्रापों से मुक्त हो चुका हूं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप मेरे ऊपर था और उस श्राप का कोई भी अस्तित्व तो मेरे ऊपर नहीं है। कुलुसियों 2:14, वे हमारे उस श्राप को क्रूस पर से हटा दिया गया है। बढ़िया बेटा, कुलुसियों 2:14, विधियों का वो अभिलेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला। किसने मिटा डाला? बोलिए यीशु ने। जोर से बोलिए, किसने मिटा डाला? हालेलुया। विधियों का वो अभिलेख जो हमारे पीढ़ियों दर पीढ़ी अभिलेख चला जा रहा था, जो शराब हमारे ऊपर आ रहे थे, आप अंगीकार नहीं करते, इसीलिए शराब अभी भी आपके ऊपर है। आप अभी अपने अंदर से ऊपर से शराब को निकाल सकते हैं यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करके। जैसे हम यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, जैसे हम उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, जैसे यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लगाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप हमारे ऊपर से निकल जाता है। कौन रोक रहा है आपकी आशीषों को? क्यों आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है? क्यों आपकी रोटी यहां पर आते आते कोई छीन लेता है? क्यों? ये बंधन है, ये श्राप है जिसे आप देख नहीं रहे। अंधकार की शक्तियां जो आपके पीछे हैं आप उन्हें देख नहीं रहे हैं, इसलिए यीशु है जिसका आप दामन थाम रहे हैं। आप दामन थाम नहीं रहे हैं, आप उसका दामन पकड़ रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं। इसीलिए अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में काम कर रही हैं। आज यहां जा रहे हैं तो कल कहीं और जा रहे हैं। आप यीशु मसीह को मान भी रहे हैं नहीं भी मान रहे हैं, इसीलिए आपके जीवन में प्रॉब्लम हो रहा है। समर्पित करिए अपने आप को उस परमेश्वर, उस यीशु मसीह के चरणों में जो महिमा और आदर के योग्य है, जिसने अपने आप को आपके लिए बलिदान कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने आपको अपने आपके लिए बलिदान कर दिया, अपना लहू बहा दिया उसने।
और कोई नहीं है जो आपके लिए मरा। पूछ के देखिए अपने अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने पति से, अपनी पत्नी से पूछ के देखिए, भैया कि मेरे लिए मरोगे? सच कोई भी अपनाना नहीं चाहता है। झूठ से ये दुनिया भरी पड़ी है। झूठ, आज के रिश्ते झूठे हैं। आप किसी की झूठी तारीफ करें बहुत अच्छा लगता है, आप उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। जहां आपने बोल दिया भाई आपकी ये प्रॉब्लम है, आप में ये कमी है, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। अरे वो आदमी सच्चा है, वो आपका अच्छा दोस्त है जो आपकी कमी बता रहा है। आप टीवी देख रहे हैं, झूठ है उसकी हर सीरियल में, झूठ है, झूठे रिश्ते, झूठी कहानियां, झूठ झूठ है, और सब आनंद ले रहे हैं टीवी में, आहा झूठ को देखकर। आपको झूठ पसंद है, इसलिए यीशु को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वह सत्य है, वो बोलता है कि अगर तुम पवित्रता के संग जीवन नहीं जियोगे तो तुम मेरे नहीं हो। वो बोल रहा है अगर तुम मेरे वचन पे नहीं चलोगे तो तुम आशीष नहीं पाओगे। वो बोल रहा है जैसे एक डाली अगर दाखरस के संग, अगर दाखलता के संग नहीं जुड़ी रहेगी, वो काट डाली जाएगी, उसे उसे नरक में डाल दिया जाएगा, वो कह रहा है। लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम नहीं समझ में आ रहा है। देखिए बाइबल नहीं कहती है कि आप संसार में मत जाइए, संसार में जाने से रोकती नहीं है, लेकिन संसार का प्रभाव आपके ऊपर ना आए, आप प्रभाव डाले संसार के ऊपर। लेकिन संसार का प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है, आपको सच कहे आप मानते नहीं है, आप समझते कि नहीं है भाई, आपको नहीं पता ये बिगनिंग है, आपको नहीं पता शैतान की चाल क्या है, आपको नहीं पता शैतान कैसे चाल चलता है। या कई भाई होंगे, नशा आपने किया होगा कुछ, अभी छोड़ दिया होगा, लेकिन शुरुआत कैसे होती है नशे की? आप दोस्ती के संग बैठे होंगे, दोस्त के संग आपको सिगरेट देगा, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो किसी तरीके से आपको करेगा, अरे नहीं बहुत खांसी है, नहीं नहीं यार मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, बहुत खांसी है, नहीं 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 यार, अरे बेकार सिगरेट। फिर दो दिन के बाद कोई मिलेगा, अरे एक ही बार खांसी एक ही बार आती है, दूसरी नहीं आती है। और आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत पड़ जाती है, आप क्या कहते हैं, नहीं 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 अरे नहीं, अरे बदबू आती है यार, बेकार है, शराब भी बेकार है, सिगरेट भी बेकार है। हेलो, जो ज्यादा उपदेश देता है ना वो ज्यादा अपने आप को संभाले। यस, आप इसीलिए बाइबल कहती है डर के रहो, संसार आप पर प्रभावित होता है, हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल का जो यूथ है, मेरे चर्च का ही यूथ है, मैं बता रहा हूं, आप समझ नहीं रहे, आप गलती करके भी नहीं समझ रहे, ये सबसे बड़ा पाप है। आप गलती करके समझे, गलती हर एक से होती है, आपने गलती एक्सेप्ट की, मुझसे गलती हुई है, ओके कोई बात नहीं, आपने गलती मानी कोई बात नहीं, आप गलती करके एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब संसार का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा आ रहा है, यही तो शुरुआत है।
बाइबल में यीशु मसीह की बातें लोगों को बुरी लगती थी, कलीसिया में पासवान की बातें बुरी लगती हैं। यस, ईश परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमें जीवित आशा दी है, उस आशा को हमें थाम के रखना है। वो क्या कहता है, पढ़ाओ बेटा, पहला पत्रस 1:3-4। उस आशा को हमें थाम के रखना है। वो आशा हमें कहां लेकर जाएगा, ध्यान दीजिए इस वचन पर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। आपको नया जन्म मिला ही इसीलिए है कि आपको जीवित आशा मिले। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि में है। देखो नई बातें, देखो पुरानी बातें बीत गई और नई बातें आ गई हैं। यही तो आशा है, उस नई बातों को हमें लेना है। अगर हमारे अंदर पुराना स्वभाव चल रहा है तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम गलत हैं। अपने आप को जांचिए, क्या पुराना स्वभाव मेरे अंदर तो नहीं आ रहा है। इसे चौथा क्या कहता है, चौथा पढ़िए, पहला पत्रस 1:4। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए। एक मिनट, चौथा क्या है, दोबारा पढ़िए चौथा। अर्थात आशा क्या है, आपकी आशा पता क्या है, हेलो, आपकी जीवित आशा क्या है, एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज। अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो अमिट है, और उत्तराधिकार जो कहां रखा है, स्वर्ग में रखा है। ये आशा है हमारे साथ। हालेलुया, आपका वसीयतनामा हो गया है, आपको जायदाद मिल गई है, आपको उत्तराधिकार मिल गया है, लेकिन आपका उत्तराधिकार कहां रखा है, स्वर्ग में रखा है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपको वो उत्तराधिकार मिलेगा। ये है हमारी जीवित आशा, और वो जो उत्तराधिकार है वो अविनाशी है, अमिट है, मिटने वाला नहीं है, अभी विनाश नहीं हो सकता उसका। वो आशा हमारे पास है, वो यीशु का सामर्थ हमारे पास है, वो अधिकार हमारे पास है। इसलिए जब हम उस आशा के साथ विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास मुकम्मल होता है, और अगर उस आशा के संग हम विश्वास नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास कमजोर होता है। इसलिए बहुतों का विश्वास कमजोर हो जाता है। बहुत मेरे पास फोन आते हैं, जरा जरा सी बात पर आपको आपका विश्वास कमजोर हो जाता है। आप सोचते नहीं है, आप समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह को आशा के रूप में नहीं लिया आपने, आपने यीशु मसीह को एक प्रभु मान के ले लिया कि और भी 4-10-12 प्रभु का नाम है बाहर, एक प्रभु हम भी ले लेते हैं, यीशु मसीह प्रभु है। यीशु मसीह सिर्फ प्रभु नहीं है, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग में आपकी वकालत के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपको देने के लिए बैठा हुआ है। वो हर पल आपको देख रहा है, जब आप उसे पुकारते हैं तो वो आपकी सुनता है। यूहन्ना 11 अगर आप पढ़ेंगे तो आप मार्था और मरियम और लाजर को देखिए आप, प्रेज द लॉर्ड। मरियम यीशु मसीह को जानती थी, मार्था यीशु मसीह को जानती थी, और वो क्या कहती है, कई बार जब यीशु मसीह से मिलती है, हम जानते हैं अगर तू होता तो वो हमारा भाई बच जाता। देखिए आप 11वां अगर अध्याय हम निकालेंगे, यूहन्ना 11वां निकालेंगे तो इसको हमें आपको बताऊंगा। मरियम और उसकी पवित्र उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने
प्रभु पर इत्र डालकर उसके पैरों को अपने बालों से पोंछा था, इसी का भाई लाजर बीमार था। आप सोचिए, सबके सामने उसने अपने बालों से उसके पैरों को छुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो क्या कहती है? प्रेज द लॉर्ड। अगर आप 21वां पढ़ेंगे, 11 का 21वां, मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रेज द लॉर्ड, अगर तू यहां होता। ये कैसा विश्वास है, ये कैसा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या कहती है 22वां, अब भी मैं जानती हूं कि तू परमेश्वर से कुछ भी मांगेगा तो परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा कि मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा, और चली गई। यीशु ने उससे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए फिर भी जिएगा, और प्रत्येक जो जीवित है और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। क्यों, क्या तू इस पर विश्वास करती है? उसने कहा, हां प्रभु, मैंने विश्वास किया है कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है, अर्थात वही जो जगत में आने वाला है। ये कहकर वो चली गई। हेलो, आमेन। ये कैसा विश्वास है। मार्था कह रही है कि प्रभु यहां पर तू अगर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। जब उन्होंने यीशु मसीह को यह संदेश भेजा था तो संदेश वाहक ने यह बताया था कि यीशु मसीह ने को मैंने बता दिया है कि लाजर बीमार है। जब मार्था मरियम को यह पता लग गया कि हां, यीशु मसीह को पता लग गया है भाई कि लाजर बीमार है, और यीशु मसीह ने जान पूछकर दो दिन देर से आने की उन्होंने ठानी। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी परमेश्वर आपके जीवन में देर से काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको सच बताऊं, जितना देर से प्रभु आपके जीवन में काम करता है, आप विश्वास करिए उतना ही ज्यादा वो आपसे प्यार करता है। आप समझते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं कर रहा है इसलिए देर लगा रहा है? नहीं, आप नहीं जानते हैं कि उसकी योजनाएं आपके लिए वो बहुत है, बहुत है। एलिशीबा और जकरिया, जकरिया की याजक था और बाइबल कहती है वे दोनों धर्मी थे, दोनों धर्मी थे, और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि हमें बेटा हो, हमें बेटा हो, हमें बेटा हो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर नहीं दे रहा था। आमेन। वक्त आया जब यीशु मसीह के आने का वक्त हुआ, परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और एलिशीबा को यूहन्ना बपतिस्मा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। क्यों हुआ, क्यों एलिशीबा को ही यूहन्ना बपतिस्मा हुआ? आप नहीं जानते हैं, अगर वो देर कर रहा है तो वो आपके लिए अद्भुत योजनाएं बना रहा है। अगर आपके अंदर यीशु मसीह आशा के रूप में है तो आप ठहरे रहेंगे, तो आप ठहरे रहेंगे जैसे एलिशीबा ठहरी रही थी। यस, मैंने प्रार्थना की है, परमेश्वर करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। मैं नहीं जानती हूं कि वो कब करेगा, वो क्यों लेट कर रहा है मैं नहीं जानती हूं, लेकिन मैं ये जानती हूं कि जब वक्त आएगा तो वो करेगा। आज यहां कोई बैठा हुआ है और जो मां बनना चाहता है, जो बच्चा चाहता है, मैं उनको बता रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि तेरे औलाद होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप यीशु की आशा को जब अपने अंदर रखते हैं ना, तब आप परमेश्वर की योजनाओं को समझने लगते हैं, तब आप परमेश्वर की योजनाओं को समझने लगते हैं। जब यीशु की आशा आपके अंदर होगी, जब यीशु मसीह का आशीष आपके संग होगा, जब वो आशा के रूप में आपके संग होगा ना, और देर होगी तो आप समझ जाएंगे कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड।
आप घर जाते हैं, आपकी आशा होती है कि आपकी माँ आपको खाना खिलाएगी? होती है कि नहीं आशा आपको कि आपकी मम्मी आपको खाना खिलाएगी? प्रेज़ द लॉर्ड। और आपने मम्मी से खाना मांगा और अगर 15 मिनट आधा घंटा एक घंटा खाना आने में लेट हो रहा है, लेकिन आपके अंदर क्या विश्वास है कि मैंने मम्मी से मांगा है मुझे खाना मिलेगा? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो नहीं कि साहब मम्मी नहीं दे रही चलो पड़ोसी के चल जाए या होटल चले जाए। मम्मी से मांगा है। आपके विश्वास में अगर आशा नहीं है तो आपका विश्वास मुकम्मल नहीं है। इसलिए लिखा हुआ है इब्रानियों 11:1, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर आप अनदेखी हुई वस्तुओं को आशा रखते हैं जो आपने नहीं देखी हैं, अगर आप उन चीजों की आशा रखते हैं तो आपका विश्वास मुकम्मल होगा और आपको चीज वो मिलेगी। हालेलुया। स्वर्ग तो आपने नहीं देखा ना, स्वर्ग आप स्वर्ग के बारे में आपने सुना है ना, स्वर्ग तो नहीं देखा, यीशु मसीह के आने को तो नहीं देखा, लेकिन आप अगर आशा रखते हैं, अगर आपकी आशा दृढ़ है कि यीशु मसीह आएगा और वो हमको लेके जाएगा, अगर आपकी आशा इस बाइबल पर है कि इसमें जो लिखा हुआ एक एक शब्द है वो सत्य है, प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन नहीं टलेगा। अगर आपका विश्वास है कि इस प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन सत्य होगा और उसको आपने आशा के रूप में अंदर रखा हुआ है, आपका विश्वास कभी कमजोर नहीं होगा, कभी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि उसने आपको जीवित आशा के लिए ही चुना है और वो जीवित आशा की रक्षा करता है आपकी। प्रेज़ द लॉर्ड। उस आशा को समझिए। जब वो आशा आपके साथ होगी ना, भजन संहिता 23:4 निकालिए, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। ये आशा आपके अंदर होनी चाहिए, मेरे यीशु ने मुझे चुना है। अपनी आशा को बल दीजिए, अपनी आशा को शक्ति दीजिए। जब यीशु मसीह आपके लिए मर सकता है तो क्या वो आपको बचा नहीं सकता है? जब यीशु मसीह आपके लिए मर सकता है तो क्या वो आशीष नहीं दे सकता है आपको? जब यीशु मसीह आपके लिए मर सकता है, क्या वो आपको नौकरी नहीं दे सकता, आपका बच्चा नहीं दे सकता आपको? अगर वो नहीं दे रहा है तो धन्यवाद, क्योंकि उसकी योजना सफल हुए। आमीन। विश्वास करिए, आप यीशु मसीह को आशा के रूप में स्वीकार करिए कि मेरी आशा यीशु है। बोलिए एक साथ, बोलिए मेरे साथ, मेरी आशा यीशु है। उस आशा को थाम के रखिए। कोई भी समस्या, कोई भी विपत्ति आपके जीवन में आए, उस आशा का आप निकाल के रखिए कि वो आशा आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आशा आपके साथ है। उन्होंने विश्वास किया, मार्था मरियम ने विश्वास किया, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि मैं ही पुनरुत्थान, मैं ही जीवन हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा अगर मर भी जाएगा तो वो चला जाएगा, तो वो जीवित होगा, क्या तू विश्वास करती है? वो कहती हां विश्वास करती हूं, और चली गई। हेलो, क्यों उन्होंने अपने भाई को कब्र में डाल दिया? क्योंकि उन्होंने यीशु को आशा के रूप में स्वीकार नहीं किया, यीशु को आशा के रूप में स्वीकार नहीं किया। मेरी आशा मेरा यीशु है, क्योंकि धरती पर यीशु आशा के ही रूप में आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो मार्था और मरियम जो कि यीशु मसीह को जानते थे लेकिन समझते नहीं थे, इसलिए वो रुक नहीं पाए, इसलिए उन्होंने अपने भाई को रोका नहीं, इसलिए उन्होंने कब्र में डाल दिया। यही होता है,
जब आप यीशु मसीह को आशा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, जब आप यीशु मसीह को आशा के रूप में लेकर नहीं चलेंगे, आप विपत्तियों से घिरे रहेंगे, आप टेंशन रहेंगे, आपकी टेंशन रहेगी आपके अंदर, और शैतान संदेह पर संदेह डालता जाएगा आपके अंदर, आपके अंदर डर और व्याकुलता आएगी, क्योंकि यीशु मसीह को आपने आशा के रूप में, मेरी आशा यीशु है, प्रेज द लॉर्ड, और वो आशा जो अविनाशी है, अमिट है, अजर है, वो आशा मुझे दी है यीशु मसीह ने, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर मैं यीशु पर आशा रखता हूं कि वो मेरे साथ है तो अमिट है, मेरे साथ है, अविनाशी है, वो मिट नहीं सकता, उसने कहा है, उसका वचन सत्य है। इसलिए दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, चाहे मैं मौत से होकर गुजरूं। प्रेज द लॉर्ड। कैसी भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी आपके धंधे में परिस्थिति आए, लेकिन आप हानि से नहीं डरेंगे। जब आप यीशु मसीह पर आशा रखेंगे, आप उसके अलौकिक कामों को समझ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने आपके लिए अपना बलिदान दिया है, अपना लहू बहाया, एक एक कतरा उसने आपके लिए बहाया है। रोमियो 8:32 क्या कहता है? जब वो अपना जीवन हमें दे सकता है, जब वो हमारे लिए लहू बहा सकता है, तो क्या वो हमारे लिए हमें सुख नहीं दे सकता? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? क्या लिखा है? सब कुछ। कोई एक चीज नहीं लिखी है इसमें। जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, जिसने अपने निज पुत्र को, लिखा है निज, इकलौते पुत्र को, प्रेज द लॉर्ड, उसका इकलौता पुत्र उसने दे दिया है। 10 पुत्र नहीं थे जिसमें से एक दे दिया है आपके लिए, इकलौता पुत्र उसने आपके लिए दे दिया है, तो वो आपको सुख देने के लिए सब कुछ नहीं देगा, सब कुछ। उसमें नौकरी भी आ गई, उसमें धंधा भी आ गया, उसमें आपके कर्जे भी आ गए, उसमें आपका मां बनना भी आ गया, उसमें बीमारियां भी आ गई आपकी, हर चीज आपको देगा वो। लेकिन कब देगा वो? आप जब आप उसको आशा के रूप में लेंगे। यस, आप यीशु को एक जीवित आशा के रूप में रखिए। मेरा यीशु मेरी जीवित आशा है। मैंने यीशु मसीह के चरण में आया हूं, मेरा अच्छा होगा, मेरी हर कमी घटी पूरी होगी। आप विश्वास करिए, आपका जीवन में जो काम हो रहा है या आपके जीवन में जो काम होने वाला है, वो सब प्रभु ही कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, आपकी बुद्धि नहीं कर रही है। आप अपनी बुद्धि को वैसे ही श्रेय देते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमने बुद्धि से काम किया, नहीं, प्रभु ही कर रहा है। लेकिन जब आप यीशु को आशा के रूप में स्वीकार करेंगे कि मेरी आशा यीशु है, मेरी बुद्धि यीशु मसीह है, तब और काम आसान हो जाएगा, और काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अंधकार की शक्तियां आपको बांधती हैं, अंधकार की शक्तियां आपकी बुद्धि को रोकती हैं। रुकावट कहां से आती है आपको? अंधकार की शक्तियों से। दरवाजे कौन खोलता है? यीशु मसीह। जब आप यीशु मसीह पर पूरी तरीके से निछावर हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, तो वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। आमीन। आपके दुश्मन को वो संभालेगा, आपकी पत्नी को वो संभालेगा, आपके पति को वो संभालेगा, आपके पति में से दुष्टात्मा वो निकालेगा, नशे की दुष्टात्मा से उसको निकालेगा, वो निकालेगा, आपका धंधा वो बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
इफिसियों 5:29 में क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। इफिसियों 5:29 कहता है कि जिस तरीके से लोग अपने देह की रक्षा करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया का पालन पोषण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब कलीसिया के संग जुड़े रहेंगे ईमानदारी के साथ, आप जब यीशु मसीह के संग ईमानदारी के संग जुड़े रहेंगे, आपका पालन पोषण अपने आप होगा, आपके काम के रास्ते अपने आप खुलेंगे, आपको सही बुद्धि परमेश्वर अपने आप देगा। आपको क्या करना है, किसी दो रास्ते पर खड़े हुए आप इधर जाएं आपको नहीं पता, लेकिन जब आप यीशु मसीह को अपना सर्वस्व सौंपेंगे, जब यीशु मसीह को आशा के रूप में रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, अपने आप परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कि आपको कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, क्या करना है। कभी कभी हम किसी रास्ते के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, विश्वास भी करते हैं और परमेश्वर हमारा रास्ता खोलता है, लेकिन जैसे ही रास्ता खुल जाता है हम कहीं और चले जाते हैं, हम यीशु को भूल जाते हैं, और वही हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। आप नहीं जानते कि जैसे ही यीशु मसीह आपके जीवन से निकला, शैतान ने कब्जा कर लिया। जैसे ही आपके जीवन से यीशु मसीह निकला, आपका बाड़ा कमजोर हो जाएगा, और आपका बाड़ा जब कमजोर हो जाएगा तो शैतान आपके जीवन में आकर अपना बाड़ा लगाएगा, और अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आएंगे और आपको तहस नहस कर देंगे। आप नहीं जानते परमेश्वर का आशीष क्या है, परमेश्वर का बाड़ा क्या है। इसको कमजोर मत समझिए, इसके संग मत खेलिए। इसलिए यीशु के वचन को अपने जीवन में उतारिए ईमानदारी के साथ, खिलवाड़ मत करिए। हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, इसलिए विश्वास करिए, यीशु को थाम के रखिए, उससे कहिए हर काम करने से पहले वो आपकी रक्षा करे, वो आपको बुद्धि दे, आपको समझ दे कि आपको कैसे जीना है, आपको कैसे काम करना है, वो आपको बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको समझाएगा। हालेलुया। विश्वास करिए, यीशु ही हमारी आशा है, और उस आशा को थाम के रखिए, और उसने हमें नया जन्म देने के लिए जीवित आशा हमें दी है, उस आशा में जीवन डालिए, रोज रोज उस आशा में जीवन डालिए। जैसे कि आप एक दिए में तेल डालते हैं ना, एक दिए को जलाने के लिए रोज आप तेल डालते हैं, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरीके से जो जीवित आशा परमेश्वर ने आपको दी है यीशु मसीह के रूप में, उसे रोज नया करिए, रोज उसमें विश्वास का सामर्थ डालिए और करीब लेकर आइए। यह आपका काम है, आपकी ड्यूटी है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, प्रभु आपको किसी ना किसी के रूप में एक चेतावनी देता है, ध्यान से, खुले मन से उस चेतावनी को समझने की कोशिश करिए, टालिए मत, कह रहे ये तो बोलते रहते हैं, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं है, नहीं बैठिए, ऐसा क्यों कहा किसी ने, सामने वाले को गलत मत समझिए, क्योंकि उसके द्वारा प्रभु काम कर रहा है, और बैठिए कि क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, प्रभु आपको जवाब देगा। अगर आप भागते रहेंगे उस चीजों से, कुछ नहीं होगा, और शैतान आपके अंदर काम करेगा। इसलिए यीशु को आशा के रूप में रखिए और विश्वास करिए, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपने वचन ग्रहण किया? मैं विश्वास करता हूं कि हमारे जूम के भाइयों ने भी, बहनों ने भी वचन ग्रहण किया होगा। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। अपना सिर को झुकाइए। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप बहुत अच्छे पिता हैं परमेश्वर, आप प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देने वाले पिता हैं। दयालु पिता, दया करिए।
दया करिए आज जो वचन परमेश्वर आपने मेरे द्वारा दिए हैं परमेश्वर, उस जीवित आशा को परमेश्वर लोग थाम ले परमेश्वर यीशु के रूप में, यस लॉर्ड, और महसूस करें, समझें कि परमेश्वर की योजनाएं अद्भुत हैं। परमेश्वर हर पल काम करता है और हमेशा काम करता है हमारे जीवनों में। परमेश्वर का काम जारी है, परमेश्वर हमें देख रहा है, परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर अंधा नहीं है, वो हर चीज़ देख रहा है। हम सिर्फ अपने आप को संभालें, हम सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें, हम सिर्फ यीशु मसीह को थामें और उसी पर अपना भरोसा रखें और फिर देखें कि परमेश्वर के कार्यों को हम देख पाएंगे, परमेश्वर की योजनाओं को हम समझ पाएंगे जो परमेश्वर कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ परमेश्वर, ताकि वो परमेश्वर आशीष पाएं और आपकी कृपा दृष्टि और आपका अनुग्रह उनके जीवन में काम करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की, हम सब कहेंगे आमीन। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।